लोगों के मुंह से अक्सर आपने ये सुना होगा, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, हमारी बहू ही खराब है, वही सिखाती है बेटे को। तो लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपका बेटा अच्छा है तो आपके साथ आपकी बहू कभी गलत कर ही नहीं सकती। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आज। तो एक घर में दो बहुएं, दो बेटे और एक माँ रहा करती थी। तो बहुएं बहुत आलसी थी और वो अपने पतियों से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और काम नहीं करना चाहती थी घर का। तो पति बाहर जॉब करते थे। एक बार छुट्टी पर दोनों पति घर आए तो सास को देखा, उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी ही सारा काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन, और बस बहुएं किसी न किसी बहाने, कभी बीमारी के बहाने, कभी बच्चे के बहाने आराम करती रहती थी। तो उनको ये, उन्होंने जब ये देखा तो बेटों ने जैसे ही माँ ने झाड़ू पकड़ी तो माँ ने, माँ से एक बेटे ने कहा कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, और दूसरे ने कहा मैं पोछा लगाऊंगा। तो ये हालत देखकर दोनों बहुओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पतियों से तो प्यार करती थी। तो एक ने फिर झाड़ू पकड़ ली हाथ से, दूसरे ने पोछा पकड़ लिया हाथ से, तो उसके बाद उन्हें लगाना पड़ा। अब इसके बाद जब माँ दूसरा काम करने बैठी तो भी बेटों ने यही किया, वो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सब्जी काटने के लिए माँ बैठी तो बेटे ने कहा नहीं हम काट देते हैं तेरी सब्जी, ये सब्जी, और वो काटने लगे। तो फिर उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि मेरा पति काम कर रहा है, तो उन्होंने उसके हाथ से ले ली सब्जी और काटने लगी। फिर रात हुई और रात का समय हुआ तो सब लोग खाना पीना खा के बर्तन यूं ही छोड़ के सो गए। तो थोड़ी देर बाद माँ ने किचन में बर्तन देखे तो माँ ने किचन में बर्तन धोना शुरू किया, और बर्तनों की आवाज से बेटों को आवाज आई तो बेटे उठ के किचन में गए। तो बेटों ने कहा माँ तू अभी बर्तन क्यों धो रही है? तो उसने कहा अब मुझे सुबह अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं रात को ही धो दे रही हूँ बर्तन। तो बेटों ने कहा नहीं तुम आराम करो हम बर्तन धोएंगे। तो दोनों बेटे बर्तन धोने में लग गए। ये देखा उनकी बहुओं ने तो उन्हें फिर ये बुरा लगा, तो उन्होंने बर्तन धोना उनको पतियों को हटाया और खुद शुरू कर दिया। फिर दोनों अपने पतियों के पास जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ आए हो तो काम में क्यों लग जा रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी माँ हमारे भगवान है, और अगर तुम उनका सम्मान नहीं करोगी तो हम तो उनका सम्मान करेंगे ही, और हमारे होते हुए उनको इस उम्र में काम करना पड़े हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसलिए तुम्हें नहीं करना है काम, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ और ना हम तुमसे कुछ कहेंगे, तुम मत करो, लेकिन हम तो जरूर करेंगे क्योंकि वो हमारी माँ है, उसने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस के बड़ा किया है, और इसलिए हमारा पूरा फर्ज हम निभाएंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा अच्छा है, संस्कारी है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। और बहुओं को दोष ना दें, अपने बेटों को ही सही संस्कार दें।